बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद। आज की हमारी रेसिपी है लेयर वाली चिकन बिरयानी, जिसे आप तह वाली बिरयानी भी कह सकते हो। आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं उसके हर चावलों में मसालों का बेहतरीन जायका आएगा। तो चलिए वीकेंड स्पेशल दावतों में बनने वाली लेयर वाली चिकन बिरयानी किस तरह से बनती है देख लेते हैं। लेयर वाली चिकन बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो मैंने सेला बासमती चावल को अच्छे से धोकर इसे भिगो दिया है। इसे हम 1 घंटे के लिए भीगने देंगे। आप कोई भी बासमती चावल लेते हो तो उसे आधा घंटा भिगोना है, और सेला बासमती राइस को 1 घंटा लगता है भीगने के लिए। तो सबसे पहले हम चावलों को 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काट कर तेल में फ्राई कर लिया है और इसका बिरस्ता तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। और गरम मसाले बता देती हूँ बिरयानी में डालने के लिए। बिरयानी का स्पेशल मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, 2 इंच के हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5 से 6 हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, यहाँ पर कुछ जावित्री के टुकड़े लिए हैं, और यहाँ पर छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा हमने दगड़ फूल लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा लिया है, 1 चम्मच नॉर्मल जीरा लिया है, और यहाँ पर 6 से 7 हमने लौंग ली है और 2 वादिया के फूल लिए हैं। तो इसे मिक्सर में पीसकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। बिरयानी में ये मसाला डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आप चाहो तो बाजार का तैयार बिरयानी मसाला भी ले सकते हो। मिक्सर में हमने बिरयानी का मसाला दरदरा सा पीस लिया है, इसमें से खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेते हैं। 1 पतीले में 1 कप तेल गरम कर लिया है, इसी में हमने बिरस्ते को फ्राई किया था, बिरस्ते का बचा हुआ ही तेल ले ले गया। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, इसे फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 4 हरी इलायची, 1 वादिया का फूल और 4 से 5 लौंग है, यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्चे है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। प्याज के साथ ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हल्की गोल्डन हो गई है, अब इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिरयानी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाला जाता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी जो कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। अदरक लहसुन प्याज के साथ अच्छी तरह से भून चुका है। 1 किलो चिकन लिया है हमने, अब चिकन को इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तेज आंच पर इसे प्याज अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं और मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट तैयार किया है, ये डालेंगे। थोड़े से लाल वाले टमाटर हो तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है बिरयानी का। यहाँ पर 8 से 10 हमने हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लिया है, मिर्च को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और इससे भी कलर बहुत ही बढ़िया आता है। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। हमने जो गरम मसाला पीस कर रखा है बिरयानी का ये डाल देंगे 2 चम्मच, और बाकी का हम चावलों में डालेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हमें भून लेना है तेज आंच पर। तीन से चार मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तेज आंच पर मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों की खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। अब गैस की फ्लेम हम धीमी कर देंगे, एकदम स्लो कर देनी है। फ्रेश दही लिया है, दही को हमने फेट कर ले लिया है। जो फ्राई किया हुआ बिरस्ता था उसे हमने आधा लेकर इस तरह से हाथों से क्रश कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये डालेंगे। केवड़ा वाटर लिया है, इसके 2 बूंद डाल देंगे हम, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में।
आपके पास हो तो डालें वरना ऑप्शनल है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। दही डालते टाइम याद रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जो टमाटर और चिकन में से पानी निकलेगा उसी में हमारा चिकन अच्छी तरह से पककर इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी इसे ढककर हम मीडियम आंच पर चिकन के पकने तक पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को पका लिया है और बीच में एक बार चेक भी कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर हल्की सी ग्रेवी भी है और चिकन को भी हमने चेक कर लिया था तो चिकन भी हमारा गल चुका है। तो अभी ये कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इस टाइम पर इसे नान के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये कोरमा बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये बिरयानी के लिए हमारा कोरमा तैयार है। अब हम बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल कर लेते हैं और इस कोरमे को दूसरे गैस पर रख देते हैं। बिरयानी के चावल बनाने के लिए बड़े से पतीले में मैंने 3 लीटर पानी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कोरमे में तो अच्छी तरह से फ्लेवर आ गया है, अब चावलों में भी अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे हम। तो यह 2 हरी इलायची ली है, 1 तेज पत्ता लिया है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 वादिया का फूल लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 3 से 4 हमने लौंग ली है और 10 से 12 काली मिर्च ली है। ये डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक आपको यहाँ ज्यादा डालना है क्योंकि पानी हम छान लेते हैं। 1/2 नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल और नींबू का रस डालने से चावल एकदम अच्छे हमारे खिले खिले तैयार होते हैं। ये देखिए पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब चावलों को डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाए बिना ही तेज आंच पर हमें चावल को 90% तक कुक कर लेना है और बाकी के 10% हम मसाले के साथ पकाएंगे। तो 90% तक चावलों को मैं पका लेती हूँ। चावल हमारे 90% तक पक चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। ये देखिए अब इसे हम छान लेंगे एक बड़े से थाल में, इसका सारा पानी निकाल लेना है। ये देखिए सारे चावलों को मैंने छान लिया है। माशाल्लाह चावल हमारे कितने जबरदस्त खिले खिले तैयार हुए हैं। तो अब हम बिरयानी की लेयर लगा देते हैं। थोड़े से गरम दूध में हमने केसर को भिगा कर रखा था। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है, आप फूड कलर भी ले सकते हो। तो ये डाल देंगे हम चावलों पर। और थोड़ा सा हमने जर्दे का फूड कलर भी लिया है, ये भी डालेंगे। तो चलिए अब बिरयानी की लेयर बिछा देते हैं। ये कोरमे में जो तेल आया है उसे हम निकाल लेंगे और ऊपर से बिरयानी में डालेंगे, क्योंकि जब हम पहले से ही ये तेल को डाल देंगे चावलों के साथ तो नीचे नीचे तेल रह जाता है और बिरयानी ऊपर से थोड़ी सी सूखी रहती है। तो इस तरह से थोड़ा तेल निकाल लेंगे हम और ऊपर से डालेंगे ताकि सभी चावलों में अच्छी तरह से तेल आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा हमने तेल निकाल लिया है। तो चलिए बिरयानी की लेयर लगा देते हैं। अब जो पतीले में हमने चावलों को बॉईल किया है उसी पतीले में हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। तो पहले थोड़े से चावल डाल देते हैं नीचे, बिल्कुल थोड़े से, ताकि नीचे से मसाला हमारा जले नहीं। ये देखिए चावलों को डाल दिया है मैंने। अब थोड़ा थोड़ा चिकन का कोरमा डालेंगे हम। यहाँ पर हम चावलों की लेयर लगा रहे हैं इसीलिए हम थोड़े चावल और थोड़ा कोरमा इस तरीके से डालेंगे। थोड़े चिकन के पीस भी डालते जाएंगे हम। अब फिर से चावलों की लेयर डालेंगे। इस बार थोड़े चावल ज्यादा डालना है। अब जो बिरयानी का मसाला पीस कर रखा था हमने वो बचा हुआ गरम मसाला थोड़ा डालेंगे। फ्राई किया बिरस्ता डालेंगे।
इस तरह से हाथों से चूरते हुए डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे। फिर से चिकन का मसाला डालेंगे। इस तरह से हमें तीन लेयर लगानी है। इस पर फिर से हम चावलों को डालेंगे। अब बाकी बचा हुआ गरम मसाला डालेंगे बिरयानी का। फ्राई किया हुआ बिरस्ता। अब पुदीने के पत्ते और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी बाकी बचे हुए सारे चिकन की ग्रेवी को डाल देंगे हम। चिकन की बोटी को इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे हम, ताकि जब भी हम बिरयानी को सर्व करें तो आराम से बोटी हर चावल के इसमें निकले। तो देखिए यहाँ पर सारा मसाला डाल दिया है मैंने। अब बाकी बचे हुए सारे चावलों को डालेंगे हम। इस तरह से चावलों को फैला देंगे हम। अब इस पे थोड़ा सा बिरस्ता डालेंगे और जो हमने ग्रेवी का तेल निकाल कर रखा था, कौरमे का तेल, वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से जब हम ग्रेवी में तेल ज्यादा होता है तो निकाल कर ऊपर से डालते हैं, तो बिरयानी के हर चावल में तेल अच्छी तरह से आता है, वरना क्या होता है कि तेल नीचे ही बैठ जाता है। ये देखिए सारा तेल डाल दिया है मैंने। बिरयानी के पतीले को गैस पे रख दिया है मैंने। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम तेज आंच पर बिरयानी को ढककर पकाएंगे। उसके बाद एक तवा रख देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम बिरयानी को दम पर रखेंगे। बिरयानी को दम पर रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और बिरयानी को आपके सामने चेक करके बताती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरयानी हमारी बहुत ही जबरदस्त खिली खिली तैयार हुई है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बिरयानी बनी है हमारी। तो गर्मा गर्म इस बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि चावल भी कितने बढ़िया तरीके से खिले खिले बन के तैयार हुए है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।